आई गेस कुछ बातें करनी थी मेरे जहन में आ गई थी। थोड़ा सा ये जो वीडियो है ये आउट ऑफ सीक्वेंस लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन यू नो लेटली देयर हैज़ बीन आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद माय मदर। सो एक पॉइंट मेरे जहन में आया जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया, राइट। सो द थिंग इज़ ये जो टॉपिक है ना रिलोकेशन का, इसके बारे में एक बात है, ठीक है। आप जो शुरू में डिसाइड करते हो या सोचते हो कि वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो आप लोगों को आप तो बहुत एक्साइटेड होते हो, राइट। लेकिन आप मैं अपना एक्सपीरियंस ये है कि जिस बंदे से मैंने शेयर किए नहीं अदर देन माय वाइफ, राइट, एनीवन फ्रॉम पाकिस्तान, व्हेनेवर आई हैव टोल्ड देम कि आई एम थिंकिंग अबाउट दोज लाइंस, मोस्ट 10 में से 9 लोगों ने यही कहा कि यार आप पागल हो गए, आप कहाँ पर आ रहे हैं, नहीं ये कोई जगह रहने वाली, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर ही रहें, इस तरह की बातें। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मुझे सुन के ना आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। मतलब अब इतना कुछ कर चुका हूँ मैं, यू नो सब कुछ, अभी गाड़ी बेची आज और घर वगैरह के बारे में चीज़ें बेची हैं सब कुछ। इवन नाउ माय मदर शी वाज नॉट लाइक ऑल आउट सेइंग मी कि आप गलत कर रहे हो, ऑब्वियसली शी वांट्स टू सपोर्ट मी, लेकिन बातों से ये इमेज आता है ना कि इट्स नॉट गोना बी स्मूथ सेलिंग, इट कैन बी ट्रिकी। सो एक तो ये एस्पेक्ट है, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वी स्कूलिंग को लेके आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन विद वन ऑफ द मेम्बर्स ऑफ एन इंटरनेशनल स्कूल जहाँ पे पोटेंशियली यू नो माई चिल्ड्रन विल गो। इंटरनेशनल इस वजह से कि एकदम से वो इंग्लिश से उर्दू पे मीडियम ऑफ जो है ना कम्युनिकेशन वो इंग्लिश होना ज़रूरी है इनिशियली, जब तक वो थोड़ा सा उर्दू उनको प्रैक्टिस नहीं आती तो तब तक। सो उनको भी अब द लेडी वॉज वेरी काइंड, शी वॉज ट्राइंग टू सेल मी वॉट दे डू एट्सेट्रा, इट वॉज ऑल गुड। लेकिन जो मुझे इमेज आता है और जिस बात से मुझे अफसोस होता है वो ये है कि आजकल ट्रेंड देखें ना आप क्या है, पाकिस्तानियों के पास पैसा है, ठीक है, कुछ लोगों ने बाहर से कमाया है, बाहर आके खुद अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, हम भी जिस तरह हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जी पाकिस्तान में जितने भी स्कूल्स हैं ना, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़, जो स्कूल यूनिवर्सिटी आपके बच्चे को बाहर एडमिशन गारंटी करा सकते हैं ना या पोटेंशियल बना सकता है कि वो बाहर चला जाए, उस स्कूल की इतनी ज़्यादा डिमांड है। तो ये एक तरह से फैक्ट्री है जिसमें इन्वेस्टमेंट, आप एज अ पाकिस्तानी पहले आप खुद बाहर जाके पैसा कमाते हो, फिर आप वापस आके अपने बच्चों को, अगर आप पहली बार अगर आ सको वापस, एक बार आप बाहर आ जाओ तो वापस आने की बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बेचारे एफर्ट करते भी हैं, या चलो अगर पाकिस्तान में भी हो, ठीक है, आपने इकॉनमी से वहाँ से पैसा कमा रहे हो, आपका अच्छा बिजनेस है जो भी है, ठीक है, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि बच्चा यहाँ से पढ़ के बाहर जाए। तो इफ़ेक्टिवली हो क्या रहा है कि जी पाकिस्तान में गाड़ियाँ समझ लें प्रोड्यूस हो रही हैं और वो यूज़ बाहर की कंट्री में आके हो रही हैं, ठीक है। अब इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, आप इन पेरेंट्स को, इन लोगों को फॉल्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आप ये देखें ना पाकिस्तान में एजुकेशन कितनी एक्सपेंसिव है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है जो क्रीम है वो उठ के बाहर आ जाती है, ठीक है, एजुकेशनली एकेडमिकली उनको क्या, जो पढ़ाई में जिनको यू नो स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू फर्दर एजुकेशन इन दिस कंट्री या यूएसए वगैरह जर्मनी यूरोप, वो क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काम हो रहा है। और पाकिस्तान में आप देखें कि ग्रेजुएट होके जॉब ढूंढना मुश्किल है, ठीक है, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि ज़रूरत तो हर कंट्री की एक जैसी होती है, इंसान हर जगह अर्जन रहे हैं इंसान ही, ठीक है, ज़रूरतियात सेम है। हम लोगों का क्या मसला है कि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि चाइना साथ बैठा हुआ चीज़ें इंपोर्ट कर लो, खुद बनाने की वो है कोई नहीं, और बड़े बड़े महंगे महंगे ठेके दिए हुए हम लोगों ने बाहर वाली कंट्रीज़ को, मतलब इट्स जस्ट रिडिकुलस। तो होम ग्रोन होना चाहिए काम, ठीक है, जितना काम होम ग्रोन होगा उतना फ़ायदा होगा, तो आसानी भी तभी होती है कि आप जो हैं यू नो इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा ऑर्गेनिक होती है उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। सो एनी वेज द पॉइंट मैं जो रेस करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये एक अजीब सी बात है कि द बेस्ट स्कूल वो वाला होगा जो गारंटी कर दे कि आपका बच्चा बाहर आए। अब ये अजीब सी बात है कि द 23-year-old हसन, मैं खुद इसी ट्रैक से आया हूँ ना, मैं यहाँ पे आया था MSc कर रहे और उसके बाद मैं यहाँ जॉब करना शुरू कर दिया, उस वक्त का हसन शायद ये सोचना रखता हो, लेकिन अभी का हसन डेफिनेटली परस्पेक्टिव दे रहा है कि यार ये थोड़ा सा अजीब बात है कि ऐसे क्यों है, यू नो व्हाई वाज इट नॉट द केस कि आई लेट्स से मैं यूएस सिटीज़न होता
वॉज बॉर्न इन द USA, ठीक है, और उधर ही मेरा बचपन वहाँ पे बड़ा होता है, मेरे दोस्त, स्कूलिंग सब कुछ, ठीक है। सिलिकॉन वैली में हूँ मैं, ग्रेजुएट करता हूँ और मैं जाके ज़बरदस्त कंपनी के लिए जॉब करना शुरू करता हूँ। मुझे अपनी कंट्री छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये क्यों नहीं है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसकी ना होने की प्राइमरी वजह ये, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, ठीक है। हम लोगों की प्रायोरिटीज़ और हैं, कभी हम प्रॉक्सी वॉर्स में इन्वॉल्व हो जाते थे, कभी रिलीजियसली यू नो प्रॉब्लम्स, मार्जिनलाइज थिंकिंग जो है वो कभी आड़े आ गई, तो एक बैलेंस नहीं रखा ना, तो ये बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल मैं सिर्फ आपसे कह रहा था कि मुझे थोड़ा सा यू नो मुझे अजीब सा लगता है इस तरह जब मैं सुनता हूँ ना कि एज इफ यू नो इट्स नो वे दिस कुड बी अ परमानेंट थिंग, आप जाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी और ये वो। आई होप दैट्स नॉट द केस, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फाइट इट, बट द थिंग इज कुछ ना कुछ तो रियलिटी है ना इस बात में, ये आपको ही पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो हाय तो ये बात है, अब देखते हैं, लेट्स सी। दूसरा ये भी है ना कि जो कोई मुझसे पूछता है ना कि मेरा कॉन्सेप्ट ये है, एज लॉन्ग एज यू कैन लिव अ पैरेलल लाइफ, राइट, वहाँ पे जिसमें आपका ज़्यादा लेना देना ना हो। ज़्यादातर बंदा फ्रस्ट्रेट इस चीज़ से होता है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन से आपका लेना देना हो जाता है, आपको लोगों की यू नो दो नंबरियों पे फ्रस्ट्रेशन होती है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव टू यू नो आपको इनसे लेना देना ना हो, आपको इशूज़ नहीं आना चाहिए, लेकिन लेना देना कैसे नहीं होगा, तभी होगा आपकी सोर्स ऑफ इनकम एक इंडिपेंडेंट यू नो तरीका है आपका, जैसे जिस तरह फुल फ्रीलांसिंग होती है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, राइट, यू जस्ट वर्किंग फॉर समवन इंडिपेंडेंटली, आपकी पे वगैरह इंडिपेंडेंटली आ रही है, यू आर एबल टू एंजॉय द बेनिफिट्स जो आपको लगता है बेनिफिट्स हैं, वेल एट द सेम टाइम स्टेइंग ओब्लिवियस टू द मेन स्ट्रीम। ज़ाहिर है अब आपको कहोगे यार इंटरनेट लगवाना पड़े, बिजली गैस का बिल देना पड़े, लेफ्ट राइट इन्वॉल्व करना पड़ता है, आपको होना पड़ता है इन्वॉल्व, वो बात तो ठीक है। फिर उसमें आ जाती है लोकेशन जहाँ पे आप रह रहे हो, अब जिस तरह ये बहरिया वगैरह, इस्लामाबाद वगैरह, ये जगह जो है एक्सपेंसिव है, लेकिन इसी वजह से एक्सपेंसिव है कि वहाँ पे यू नो ये प्रॉब्लम्स नहीं है शायद, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नो क्या ही बात होती कि हम वो जनरेशन होते कि हमारी अपनी कंट्री जो है वुड हैव बीन दी प्लेस टू गो। अब इमरान खान के बारे में लोग करते हैं, एक तो ये था ना कि यंग जनरेशन वर्सेस ओल्ड स्कूल पीपल, ठीक है, वो बात पुरानी हो चुकी है आई थिंक। फिर एक और थ्योरी थी कि जी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान, अब ज़ाहिर है ये सारी बातें जो हैं वो जो हैं, लेकिन बात ये है कि इनमें कुछ परसेंट हकीकत होती है, बाकी अभी जो लेटेस्ट ये जो है अभी इनिशिएटिव लिया टाइम एंड अगेन, मुझे ऐसा लगा कि पहले दो साल जो था ना जो पीरियड था इमरान खान का, उसके बाद ना कोई एकदम से वो सुपर चार्जिंग पे आ गया, विच इज़ इन द सेंस कि आपको हर अगले दिन कोई ना कोई इसलिए खबर मिलती है, आप कहते हो यार ये अच्छा काम किया। जैसे अभी लेटेस्ट एक चीज़ हुई है कि ओलिव्स की प्लांटेशन, यू नो, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज ओलिव ऑयल इंडस्ट्री वाकई उसकी बहुत दुनिया में बहुत है, और पाकिस्तान में अगर ऑलिव्स लगना शुरू हो जाएँ और वो एक्सपोर्ट कर सकें, डेफिनेटली लॉट ऑफ पोटेंशियल। ये हो गया, ट्रीज की प्लांटेशन हो गई, ये चीज़ें लगती छोटी हैं, वो जो मुर्गियों और अंडों वाला आइडिया था उस पर भी लोग हंस रहे थे, लेकिन बात यार ये कि देखो इनोवेशन होती है ना, ये जो आपके पास है आप उसी में से निकालते हो ना, ठीक है। ये जो हमारी सोच है ना कि टांग पर टांग रख के बैठे हैं, बातें दस करेंगे काम एक नहीं करेंगे, पर इससे निकलना पड़ेगा यार, इस चीज़ से निकले बगैर काम नहीं सीधा होगा। यूरोप में भी यू नो 15वीं 16वीं सेंचुरी में, पहले इधर भी बड़ा काम ऐसे ऐसे होता था, इधर भी इनकलाब आए हैं, सम लेवल किस लेवल पे ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि काम को काम समझें, काम को ईमानदारी से करें और यू नो डिलीवर ऑनेस्टली ज़रूरी है। दिल के आई थिंक मुझे ये है कि दिल के बुरे लोग नहीं हैं पाकिस्तानी हम लोग, प्रॉब्लम ये है कि फ्रस्ट्रेटेड बैकग्राउंड होता है, और अब क्या करें यार, एक सिस्टम में आप पैदा हुए यहाँ पे, वहाँ पे कुछ लोगों के बहुत बुरे हालात होते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के बेजर होते हैं, तो जो जिस तरह के इंसान के हालात हैं, इधर भी जब यह कोरोना शुरू है तो यूटिलिटी स्टोर वगैरह में से टॉयलेट पेपर गायब हो गया था, लोग बल्क बाइंग कर रहे थे, पैनिक बाइंग नज़र आ जाती आपको ना हर तरह, तो वहाँ पे तो
सारी बात उसी की है ना, इन्वायरमेंट क्या है, क्या इन्वायरमेंट दी गई है लोगों को, जो जैसी इन्वायरमेंट होगी लोग उसी से रहेंगे ना। इंसान का बस एक बात है कि सुपर अडेप्टेबल क्रीचर, एब्सोल्युटली अमेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, किसी भी हाल में ना अपने आप को अडाप्ट कर लेता है। हम में से निकलते हैं एक क्या एग्जांपल देनी चाहिए, दिमागी तौर पे जो बहुत ज़्यादा जैसे जीनियसेस भी हम में से होते हैं, इंसानों में से कमांडोज भी हम में से होते हैं, वही बंदा है जो कि ऐसा सुपर फिट हो सकता है कि यू नो दे कैन टेक ऑन ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन, ये है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इंसान की, और यूनिटी आ जाएगा तो फिर क्या ही बात है। बहरहाल मैंने कहा आप लोगों से मैं बात करूँ, मुझे थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मैं दो तीन दिन रह गए जाने में, और इस तरह की बात अगर हो तो मतलब सोचता है यार कि मैं जितना बड़ा स्टेप किया है, ज़ाहिर है अभी एक वजह थी इसकी, सब कुछ था, आप एक परस्पेक्टिव, लेकिन वहाँ पे एक ये मेंटेलिटी है कि जी मतलब उर्दू की बात हो रही थी बच्चे की कि जी उर्दू किस लेवल की हो, आपने अगर बार वापस बच्चों ने अगर पढ़ने वापस बार आना है तो बेशक उर्दू आप ना लें, ये वो विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन द पॉइंट इज़ के ये थॉट थी कि बाहर आना है और वो इट्स ईजी फॉर देम टू, वो भी क्या इसी साइकिल से गुजरेंगे, और ये क्या है साइकिल ज़रूरी है, यू नो आई डोंट नो मैन व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। ये जो बात है ये पता होता तो फिर मैं इंसान थोड़ी होता, यही सारी बात है। तो आई थिंक वही होता है कि बस ज़िंदगी इसी एक्सपेरिमेंट का नाम है, आप एक टाइम पे एक चीज़ करो, दूसरे पे दूसरी करो, एक दिन मार जाता है इंसान बस ख़त्म। खैर डिसअपॉइंट नहीं होना, चलें यार फिर अपना ख्याल रखना, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।